हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन तंदूरी मोमो की रेसिपी, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत डिलीशियस बनती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने घरों में बनाएं और अपने बच्चों को बीमारियों से महफूज रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे बाहर से खाकर आते हैं तो पेरेंट्स के दिल में डर होता है कि बच्चे बीमार ना हो जाएं। इसलिए हाइजीनिक तरह से अपने घर में बनाएं और बच्चों को खिलाएं, बच्चे भी खुश और आप भी टेंशन फ्री। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मोमो के लिए आटे को गूंद लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 कप ले लिया है मैदा और इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दी है और 1 टीस्पून ही इसमें ऑयल डाल देंगे। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, बट उसका स्मेल जो है वो हार्ड नहीं होना चाहिए। मैं इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें नॉर्मल वाटर डाल करके इसका एक सॉफ्ट सा डो बना करके रख लेंगे। इसका जो डो है वो चपाती से थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, चपाती का थोड़ा सा ज़्यादा नरम होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैदे को किस तरह से गूंथते हैं और सॉफ्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने सरफेस को अच्छे से साफ करके और इस पर मैदे को रखा है और हथेलियों से इसे फैला फैला करके खींच खींच करके इसको सेट कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मेरा जो मैदे का डो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इस तरह से अगर आप करेंगे ना मैदे को, तो मैदे के अंदर लचीलापन आ जाएगा। तो मैं इसे 10-15 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने चटनी के लिए ले लिया है 10-12 लाल सूखी मिर्च। इसको मैंने 10 मिनट पहले सुसुम पानी में डुबो करके रख दिया था। तो यहाँ पर हमने 3 लाल टमाटर ले ली है, इसको मैं बॉयल कर लेती हूँ। तो 10 मिनट तक उसे पकाना है। और यहाँ पर हमने चिकन का कीमा ले लिया है फिलिंग के लिए, 200 ग्राम ये चिकन का कीमा है। हमने बोनलेस चिकन को ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया था, तो कीमा रेडी हो गया। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है और 1 नींबू का रस निचोड़ करके डाल देंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 हरी मिर्च को बारीक सा काट करके। आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाली है, आधी शिमला मिर्च हमने डाली है। और 1 टुकड़ा हमने गाजर को कद्दूकस करके इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसमें पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। 1 ओनियन को हमने बारीक सा चॉप करके डाल दिया। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून डाली है, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्च डाली है, काली मिर्च का पाउडर। और यहाँ पर हमने सोया सॉस लिया है 1.5 टेबल स्पून और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा फिलिंग जो है रेडी हो चुका है, तो इसको हम रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर मैं टमाटर को देख लेती हूँ, टमाटर मेरा रेडी हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हैं टमाटर जो है 10 मिनट से ये पक रहा है, तो ये मिर्ची जो है अच्छी तरह से फूल गया है। तो उसको मैं ठंडा कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए, डो जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा हाथों से इस तरह से मसल देंगे और इसको 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया है। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने जा रही हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे सा बनाना है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाना है। तो पूड़ियाँ का जैसे बनाते हैं ना, पूड़ियों से बस थोड़ा सा छोटा लेंगे। यहाँ पर मैंने कट करके रख लिया है, छोटे छोटे पेड़े बना करके साइड में रख देते हैं तो जल्दी जल्दी बन जाएगा। सारी तैयारियों को पहले से करके अगर रख लेंगे ना, तो ये फटाफट से बन जाता है। तो मैं इसको रोल आउट कर रही हूँ, तो बिल्कुल बारीक सा इसको बेल करके ले लेना है। तो जैसे पूड़ियाँ बेलते हैं ना, उससे भी पतला इसको बेलना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं थोड़े थोड़े मैदे से डस्टिंग करते हुए इसको बेल रही हूँ। यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ जो है रेडी हो चुकी हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा फिलिंग भर दूंगी और इसको मैं आपको मोड़ने का दिखा रही हूँ। कैसे मोड़ते हैं, तो जैसे साड़ी में चूनन करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसको चूनन करना है। बस इस तरह से इसको चिपकाते जाना है। तो मैं इसको दिखाऊंगी गोल बना करके। कई तरह के शेप में बनाया जाता है, मैं आपको 2-3 तरीका दिखा दूंगी आज। उसके बाद आगे मैं और भी मोमो की रेसिपी लेकर आऊंगी, उसमें आपको दिखाऊंगी। तो बस इस तरह से बन गया ना, इसको आहिस्ता से इस तरह से मोड़ देंगे और इधर चिपका देंगे। तो यहाँ पर एक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। घर में बना रहे हैं तो थोड़ा छोटा या बड़ा डिज़ाइन बने कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़े थोड़े मैदे से डस्टिंग करते हुए इसे पतला सा बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैं सेकंड डिज़ाइन आपको दिखा रही हूँ बनाने के लिए। तो ये लंबे शेप में बनेगा। यहाँ पर हमने थोड़े सा फिलिंग को डाल दिया है, अब इसे भी इसी तरह से चूनन चूनन सा मोड़ते जाएंगे। तो ये मैं लंबे शेप में बना रही हूँ, बहुत आसान है फ्रेंड्स। आप किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं, मोदक के जैसा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से फोल्ड करते जा रही हूँ और बस इधर से पकड़ लिया और इधर ला करके चिपका देंगे। बहुत आसान है फ्रेंड्स, इसे आप लोग घर में ज़रूर बनाएं।
और इंजॉय करें। तो मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो तीन ऑप्शन देगा, तो जिसमें से आप ऑल को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें एक एक करके मोमो को डाल दिया है। इसमें बस इतना ही जाएगा, तो मैं इतना ही को अभी फ्राई करती हूँ, बाकी को सेकेंड बैच में फ्राई करूंगी। यहाँ पर फ्लेम को ना ही हाई रखना है और ना ही बिल्कुल स्लो रखना है, मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे फ्राई करना है। एक साइड से ये फ्राई हो चुका है तो मैं इसे पलट करके दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेती हूँ। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि तंदूरी मोमो जो बनता है वो स्टीम नहीं होता है, इसे फ्राई किया जाता है। स्टीम इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस पर मसाले की कोटिंग नहीं हो पाएगी, वो स्लिप कर जाएगा, इसलिए इसे फ्राई करके उसके बाद मसाले से कोटिंग की जाती है। तो यहाँ पर ये फ्राई हो चुका है तो मैं इसे निकाल देती हूँ बाहर और सेकेंड बैच को फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं चटनी के लिए जो टमाटर हमने पकाई थी वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो इसके मैं स्किन को हटा देती हूँ। स्किन रिमूव करने के बाद थोड़ा सा मैं इसे कट कर लूँगी और इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। बिना पानी डाले हुए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, अब इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून ऑयल को गर्म किया, उसमें 1 टीस्पून जिंजर और 1 टीस्पून गार्लिक को चॉप करके डाल दिया है। इसको हमने सॉटे कर लिया था, ज़्यादा डार्क नहीं किया है। उसके बाद इसमें ऐड कर दिया चिली और टोमेटो की प्यूरी को और इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। देख रहे हैं कितने अच्छे से पक रहा है। थोड़ा सा जार में हमने पानी भी डाल करके और इसमें डाल दिया है। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून शुगर। शुगर इसलिए डालते हैं तीखे को बैलेंस में लाने के लिए। यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से पका लेती हूँ। ये जब पक गया तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून विनेगर और 1.5 टेबल स्पून टोमेटो केचप डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठंडा करके साइड में रख देते हैं। टोमेटो केचप तीखेपन को बैलेंस में लाता है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट वगैरह डाल दें, मुझे कम लग रहा था तो मैंने ऐड कर दिया है। इस चटनी को आप 10 दिन तक फ्रीज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तंदूरी मसाला बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए हमने हंकर लिया है 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने इसमें नींबू का रस ऐड कर दिया और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है। कसूरी मेथी हमने 1 टेबल स्पून डाली है क्रश करके और 1 टेबल स्पून हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसलिए हमने लिया है। 1 टीस्पून हमने ली है रेड चिली पाउडर और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें वरना स्किप कर दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, फूड कलर इसलिए डाले हैं ताकि ये देखने में लगे बिल्कुल बाजार के जैसा। यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून सॉल्ट भी डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं एक एक मोमो इसमें ऐड कर रही हूँ। मसाले के साथ अच्छी तरह से मोमो को कोट कर लेना है। तो आप चाहें तो इस मसाले में भुना हुआ बेसन भी 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसको कोट कर लिया है। अब इसको धुआं देने की ज़रूरत है तंदूर वाला फ्लेवर लाने के लिए। यहाँ पर हमने एक लकड़ी को जला करके और इसमें थोड़ा सा बटर डाल दिया है और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। वाओ, बहुत ही डिलीशियस सी खुशबू आ रही है। इस कटोरी को निकाल देंगे। अब चलते हैं मोमो को यहाँ पर सेल्फ फ्राई करने। तो हमने हल्का सा ऑयल लिया है फ्राई पैन में और एक एक करके मोमो को यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा मेहनत तो फ्रेंड्स लगता है बट ये बहुत ही डिलीशियस बनता है, आप लोग बनाकर तो देखें। तो यहाँ पर मैं इसे पलट देती हूँ, ये देख रहे हैं इतना अच्छा सा कलर आ गया है। इस स्टेप को फ्रेंड्स हाई फ्लेम में करना होता है, तो आप देख सकते हैं मैंने फ्लेम को हाई रखा है और फटाफट से इसे कर करके हटाना होता है। यहाँ पर मैं इसको जाली पर भी थोड़ा सेक देती हूँ, तो रोटी बनाने वाला जो जाली होता है ना उस पर भी रख करके आप आराम से इसे सेक सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इस तरह से भी कर दिया है, बहुत ही धुआंदार इसकी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, दिल को छूने वाला है खुशबू। तो चलिए आप लोग इसे ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।